प्रिय मित्रों, ये जो आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक अमृतसर से दिल्ली तक जाता है और ये वही ट्रैक है जहाँ पर परमेश्वर के दास साधु सुंदर सिंह जब जवान थे और उनके मन में एक जिज्ञासा थी, एक प्रश्न था कि प्रभु आज रात आप मुझे दर्शन दें, नहीं तो कल सुबह मैं आत्महत्या कर लूँगा, इस ट्रेन पर जाकर मैं अपने आप को मार लूँगा। तो ये वही रेलवे ट्रैक है जो कई सौ साल पुराना है और आप देख सकते हैं, हालांकि ये आज की तारीख में इसको ब्रॉडगेज किया गया, लेकिन उस समय ये छोटा होगा, लेकिन मार्ग यही है जहाँ पर परमेश्वर के दास साधु सुंदर सिंह के मन में जिज्ञासा थी कि प्रभु आज रात आप मुझे दर्शन दें, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। और मित्रों, इस समय हम इस जगह को दोराहा कहते हैं और यहाँ से जो रामपुर जो जगह है वो केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है और इस समय हम साधु सुंदर सिंह जी के घर पर, उस स्थान पर जा रहे हैं। आगे की कहानी हम आपसे आगे बात करते हैं। प्रिय मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सड़क दिखाना चाहता हूँ। जैसा ये पीछे रेलवे ट्रैक था जैसा आपने देखा, और ये सड़क उनके गांव रामपुर में जा रही है। ये जो जगह थी वो दोराहा थी और यही मार्ग है। और यहाँ पर आप पास में ये नहर भी देख सकते हैं। जिस रात साधु सुंदर सिंह जी के पिताजी ने उनको जहर दे दिया था खाने के लिए, मरने के लिए, क्योंकि वो प्रभु में बढ़ना चाहते थे, तो उस रात वो इसी नहर के पास आकर रुके और पूरी रात उनको जो है वो वॉमिट होती रही, ऐसा कहा जाता है, उनको वॉमिट होती रही। तो ये मार्ग जा रहा है, हम उनके घर जब जाएंगे तो हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। प्रिय मित्रों, इस समय आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं, ये साधु सुंदर सिंह मेमोरियल हाउस इन चर्च, मैं इस चौराहे पर खड़ा हूँ और ये जो मेरी तरफ जो दाहिनी तरफ ये रास्ता जा रहा है आप देख सकते हैं, ये उनके गाँव को जा रहा है, उनके वहाँ से वो गाँव शुरू है और इस चौराहे पर खड़े हैं। और यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा है ये इस ओर इशारा करता है कि परमेश्वर के महान दास साधु सुंदर सिंह का जो घर है, जो पैतृक उनका घर है, वो यहाँ पर है और वहाँ पर एक छोटी सी जगह भी है। और आप ये नहर देख रहे हैं, ये नहर भी उतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी जगह पर साधु सुंदर सिंह जी ने पूरी रात बिताई थी जब उनके पिताजी ने उन्हें जहर दे दिया था, क्योंकि वो यीशु मसीह के शिष्य हो गए थे, तो उनके पिता ने उनको जहर दे दिया था और यहीं पर आकर उन्होंने पूरी रात बिताई। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर वो वॉमिट भी कर रहे थे और एक जवान, केवल 16 साल 17 साल के एक जवान के रूप में पूरी रात यहाँ बिताई। और उसके बाद परमेश्वर ने उस जवान को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, ना केवल भारत में लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में और तिब्बत में और ना जाने कहाँ कहाँ, हिमाचल में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवा की। उनका जीवन, उनका संघर्ष हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए, मसीह बुनियाद के लिए एक फाउंडेशन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से और जब हम 3 सितंबर को उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये पूरे भारत की कलीसियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हम परमेश्वर के इस महान दास को, उसकी सेवा को, उसके बलिदान को स्मरण रखें साधु सुंदर सिंह के जीवन पर। अभी हम थोड़ी देर में उनके गाँव जा रहे हैं और वहाँ आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। प्रिय मित्रों, इस समय हम परमेश्वर के महान दास सेवक आदरणीय साधु सुंदर सिंह जी के स्थान पर उनके घर में हैं और हमारे साथ हमारे कुछ प्रिय मित्र भी यहाँ पर हैं जिन्होंने उसकी जो भूमिका है, जो उसका इतिहास है, वो हमारे संग साझा किया। और ये मेरे लिए बड़े आदर और बड़े सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर, महान परमेश्वर के इस अतुलनीय दास के जीवन और उनकी सेवा को हम आज याद कर रहे हैं और 3 सितंबर को हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखिए, मैं इस विचार से बड़ा प्रभावित हुआ, यहाँ पर लिखा उपहार के लिए नहीं बल्कि उपहार देने वाले के लिए, जीवन के लिए नहीं बल्कि जीवन के दाता के लिए। आप देखिए, ये साधु सुंदर सिंह जी के विचार हैं, तब जीवन और जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें आपको जोड़ दी जाएंगी। ये परमेश्वर के महान दास हैं। देखिए, यहाँ पर जो मैं एक अपना मुख्य विचार रखना चाहता हूँ वो ये रखना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मसीह समाज, जो मसीह विश्वास है, उसको अननेसेसरी, मैं कहता हूँ बिना किसी कारण के, रोम से या अंग्रेजों से जोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर भारत की पृष्ठभूमि को देखें तो साधु सुंदर सिंह जैसे, पंडित रामाबाई जैसे, अरानी अमृता कौर जैसे, मधुसूदन दास जी जैसे महान परमेश्वर के सेवक हुए जो भारतीय थे और भारत में रहकर भारत के कल्चर के साथ उन्होंने सेवा की। ये देखिए, यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स हैं, ये कितना पुराना फोटोग्राफ है, 1920 में, द सेकेंड बेस्ट नोन क्रिश्चियन इन द वर्ल्ड आफ्टर द पोप। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि परमेश्वर की दृष्टि में कोई फर्स्ट सेकंड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो साधु सुंदर सिंह की सेवा को जो एक्नॉलेज किया गया समाज के द्वारा, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर जैसा मुझे भाई ने बताया कि आर्च बिशप नेथन थे
और उन्होंने साधु सुंदर सिंह जी से कहा कि साधु सुंदर सिंह आप किसी डिनोमिनेशन को किसी सेक्ट को फॉलो करें, आप प्रभु का प्रचार करें लेकिन किसी एक ट्रेडिशन में फॉलो करें। तो साधु सुंदर सिंह जी ने उन्हें कितना अच्छा जवाब दिया, ये नई पीढ़ी को जानना है, ये आज के परमेश्वर के सुसमाचार सेवकों को जानना है कि साधु सुंदर सिंह ने क्या जवाब दिया। लेकिन साधु सुंदर सिंह जी का जवाब सुनिए, हम भारतीय, देखिए हम भारतीय एक सिद्धांत नहीं चाहते हैं, यहां तक कि एक धार्मिक सिद्धांत भी नहीं, हमारे पास उस तरह की पर्याप्त चीजें हैं, हम सिद्धांतों से थक गए हैं। आप समझ रहे हैं, हम सिद्धांतों से थक गए हैं, हमें जीवित मसीह की आवश्यकता है। और परमेश्वर के महान दास अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहा करते थे और छोटी आयु में जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ ऊपरी कमरे में, वो सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे आए, आप देख रहे हैं इन सीढ़ियों से दौड़ते नीचे आए, उनके पिताजी यहाँ पर सोते थे और उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ है। और पिताजी ने कहा नहीं तुमने कोई सपना देखा होगा, या उन्हें समझाकर सोने के लिए कहा कि आप जाओ और आराम करो। लेकिन देखिए उसके बाद वो रुके नहीं, उस दर्शन को उस स्वप्न को पाने के बाद वो इस स्थान से निकले और विश्व के अंदर, जैसा मैंने आपको दिखाया इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर और बहुत देशों के अंदर उन्होंने प्रभु के महान सुसमाचार का प्रचार किया। मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से जो विषय मैं आपके संग रखना चाहता हूँ वो ये है कि हम भारतीय हैं और भारतीय सभ्यता में भारतीय तरह से रहकर हम उस महान परमेश्वर के शिष्य बन सकते हैं, और उसका एक अनुपम उदाहरण स्वयं साधु सुंदर सिंह जी हैं। ऐसे महान जीवन को हम स्मरण करें, उनकी सेवाओं को, उनके बलिदान को। इस समय इन सीढ़ियों से होते हुए हम उस विजन रूम में जा रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर के महान दास साधु सुंदर सिंह को वो दर्शन यीशु मसीह ने दिया था 4:00 AM। और आइए यहाँ पर हम ये इस समय छत पर हैं, आप महसूस कीजिए इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर परमेश्वर के महान दास विजन रूम यहाँ पर लिखा है, अपस्टेयर देयर वाज अ रूम फॉर साधु सुंदर सिंह वेयर ही गॉट द विजन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का स्वप्न दर्शन जो है, साक्षात्कार जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, साक्षात्कार इसी कमरे में हुआ। आइए इस कमरे में भी हम चलते हैं। प्रेज गॉड, ये देख सकते हैं ये जो कमरा है, और यहीं पर इस कमरे में उनको दर्शन हुआ। और आई एम सो ब्लेस्ड, जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ, मेरा हृदय आनंद से भरा हुआ है। यहाँ पर छोटा सा एक विवरण भी है, ये शायद आपको कैमरे में ना दिखाई दे इसलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ इसको ताकि आप समझें। इस कमरे में साधु सुंदर सिंह ने 17 दिसंबर, तारीख याद रखें 17 दिसंबर 1904 को, 1904 में, 1904 को जीवित ईश्वर से दर्शन मांगे कि क्या कोई जीवित ईश्वर है। ये उन्होंने प्रार्थना की फिर मुझ पर प्रकट हो, और ये प्रार्थना थी कि कोई जीवित परमेश्वर है तो मुझ पर प्रकट हो, नहीं तो सुबह 5 बजे पहली ट्रेन दोराहा में आती है रेलवे स्टेशन इस गांव से 3 किलोमीटर दूर। उस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि वो जो रेलवे ट्रैक था हमने उसका भी पिक्चर लिया है। इस जीवन से हार मान लेंगे, और पूरी रात उसने इंतजार किया कि कुछ हो सकता है कि ईश्वर परमेश्वर जो है या कोई देवी या कोई देवता या कोई संत जो उस पर प्रकट हो, लेकिन 4 बजे तक कोई दृष्टि नहीं थी। उम्मीद है कि कोई जीवित भगवान या ईश्वर नहीं है, सब मिथक है। ये उनकी प्रार्थना थी कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखना चाहते, कोई है जिसने संसार को बनाया, कोई है, कोई ईश्वर है, ये उनकी प्रार्थना थी, कोई है या नहीं, ठीक है, सब मिथक है, या वह खुद को तैयार करते हैं। और अपनी पगड़ी बांधी, उन्होंने अपनी पगड़ी बांधी, उठे पगड़ी बांधी और जीवन से हार मानने के बारे में पत्र लिखा, उन्होंने अपने जीवन से हार मानने के बारे में पत्र लिखा। जब वह इस कमरे से बाहर निकलने वाला था, तुरंत ही यीशु मसीह अर्थात जीवित परमेश्वर जो है वो लगभग 4:15 पर 18 दिसंबर, क्योंकि तारीख देखिए 17 दिसंबर थी, यहाँ 18 हो गई, सुबह 4:15 पर और 1904 को उसे जीवित परमेश्वर का दर्शन दिया। कहा गया सुंदर सिंह मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं। यह कमरा उस परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति से भरा हुआ था। प्रिय मित्रों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं जब आप इस कमरे में मेरे साथ हैं और आप उस इतिहास को सुन रहे हैं। हो सकता है कि जब आप सुन रहे हैं तो आपको ये वीडियो के माध्यम से आनंदित आ रहा हो, लेकिन कभी आपको मौका मिले तो आप इस स्थान पर आएं।
इस स्थान को देखें, अपने परिवार के साथ आएं, यहाँ पर अनुभव लें और आने वाली पीढ़ियों को, जवानों को साधु सुंदर सिंह की सेवा के बारे में, उनके उस दर्शन के बारे में, उनकी सेवा के बारे में ज़रूर बताएं। मित्रों, मैं आपको इस विंडो को दिखाना चाहता हूँ। ये जो खिड़की है, जब साधु सुंदर सिंह यहाँ पर रात में सो रहे थे, इसी खिड़की से एक प्रकाश जो है वो इस कमरे के अंदर आता है और साधु सुंदर सिंह उस प्रकाश को देखते हैं और वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि बाहर तो अभी भी अंधेरा है। फिर वो दौड़ कर आते हैं और फिर देखते हैं कि इस कमरे के अंदर प्रकाश है, रोशनी है, और फिर वो सोचते हैं कि प्रकाश कैसा है और ये किसका प्रकाश है। और इस स्थान पर एक यहाँ पर तस्वीर जो है प्रकट होती है और साधु सुंदर सिंह उस तस्वीर को नमन करते हैं और वहाँ पर शीश नमन करते हैं। उनको लगता है कि शायद कोई देवता या कोई भगवान या कोई ईश्वर जो है वो मेरे लिए यहाँ पर प्रकट हुआ है। लेकिन तभी उस जो विजुअल्स है, जो तस्वीर है, उसमें से एक आवाज़ आती है कि सुंदर सिंह, सुंदर सिंह, तो मुझे क्यों सताता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए प्राण दिया, अपना जान दिया है। और वो आवाज़ यीशु मसीह की थी और उस आवाज़ से इस बात को आया कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। उसके बाद साधु सुंदर सिंह दौड़कर अपने पिताजी के पास जाते हैं और अपने पिताजी को कहते हैं कि मुझे यीशु मसीह का दर्शन हुआ। और इस तरह से उस दर्शन के बाद उन्होंने इस कमरे में वापस आकर यहाँ रहे और प्रार्थना की या प्रभु के वचन को पढ़ा, अध्ययन किया। और इस छोटे से गांव में देखिए, जैसा हमने आपको गांव बाहर भी दिखाया, भी ये छोटा सा गांव, उसकी गलियां भी इतनी तंग है कि यहाँ कोई कार भी नहीं आ सकती, कोई छोटी व्हीकल भी नहीं आ सकती। इस स्थान से, इस गांव से परमेश्वर ने अपने लिए एक अद्भुत सुसमाचार सेवक को खड़ा किया। और आप जानते होंगे कि साधु सुंदर सिंह की ही सेवा को, सेवा के माध्यम से भक्त सिंह प्रभु में आए और भक्त और पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी भी उनकी पुस्तक के द्वारा प्रभु में आए। और न जाने ऐसे कितने हजारों लाखों लोग होंगे जो उनकी सेवा से प्रभावित हैं या उनकी सेवा से आशीषित हुए। और उस बड़ी भीड़ में मैं स्वयं उनका एक शिष्य, आदर्श उनको मैं अपना मानता हूँ, क्योंकि उनकी जो सेवा थी वो सेक्रीफाइस पर आधारित थी, प्रभु के वचन पर आधारित थी। और ऐसे परमेश्वर के महान संत को, परमेश्वर के महान दास को हम धन्यवाद करते हैं, उनकी सेक्रीफाइस को, उसके बलिदान को स्मरण करते हैं। और यही मेरी प्रार्थना और इच्छा है कि भारत का प्रत्येक जन, प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक मसीही साधु सुंदर सिंह की सेवा से आशीषित हो, उनकी किताबों को पढ़ें, उनके बारे में सीखें और अगर आपको मौका मिलता है ज़रूर आप इस स्थान पर आएँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।